नमस्कार, एनबी न्यूज़ आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल। राजधानी लाइव आप देख रहे हैं। दिल्ली नगर निगम पर काबिज बीजेपी पर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने कहा है कि निगम कर्मचारियों के जीपीएफ के 1232 करोड़ में से सिर्फ 28 करोड़ रुपए ही उपलब्ध हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि एमसीडी के बीजेपी नेता 2014 से कर्मचारियों का जीपीएफ जमा नहीं करवा रहे हैं। बीजेपी शासित एमसीडी ने काफ़ी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद भी जीपीएफ नहीं दिया है। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता से सवाल किया कि निगम कर्मचारियों के 1200 करोड़ रुपए जीपीएफ कहाँ गए। एमसीडी में जिस नई पार्टी की सरकार बनेगी वह ये पैसा कहाँ से लेकर के आएगी। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा कि कर्मचारियों का जीपीएफ का कितना पैसा होना चाहिए, जिसका जवाब आया कि 1232.45 करोड़ रुपए कर्मचारियों का जीपीएफ होना चाहिए। इसके बाद सवाल पूछा कि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनका कितना पैसा बकाया है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन उनको जीपीएफ नहीं दिया गया है। तब जवाब दिया गया कि करीब 38.24 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है। मेरे साथ मेरे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, नगर निगम को लेकर के एक बड़ा आरोप है आम आदमी पार्टी का, जीपीएफ को लेकर के सवाल उठाया उन्होंने कि अगर आगामी समय में परिवर्तन होता है नगर निगम में तो इतना पैसा, इतना बड़ा अमाउंट कहां से लेकर के आएगा दूसरा दल। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से एमसीडी के जब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। वहीं बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से आरोप लगाया और खुद सौरभ भारद्वाज ने निगम के ऊपर आरोप लगाया कि जो जी कह सकते हैं जो बकाया पैसा है वो कहाँ है, और उससे दिल्ली से कह सकते भाजपा से सवाल भी पूछे गए थे कि जीएफ के किस तरीके से काटा जा रहा है और उनका पैसा कितना है और लगातार उसके लिए कितने दिल्ली सरकार के पास निगम के पास कितना पैसा है, उसके अंदर भी जवाब जो आ रहा है वो चौंकाने वाला है। क्योंकि 28 करोड़ रुपए के करीब भाजपा की तरफ से बताया जा रहा है, यानी कि निगम की तरफ से बताया जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 28 करोड़ है, 1200 करोड़ रुपया वो कहां जा चुका है। और इसी को लेकर अगर भाजपा के अंदर कह सकते हैं निगम के अंदर सरकार बदलती है, यानी कि भाजपा की सरकार हटके या आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वो पैसा कहां से लेके आएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर जिस तरीके से आरोप निगम के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि लगातार ये भी कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उसमें घोटाले किए जा रहे हैं, बड़े बड़े टेंडरों के अंदर घोटाले किए जा रहे हैं और निगम को कंगाल किया जा रहा है और उसका जो पैसा है वो मिली भगत कर करके भाजपा के लोग खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहें तो आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। मगर आरोप के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी समझना होगा कि भाजपा के पास हकीकत में निगम के अंदर कितने कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका बकाया पैसा कितना है और कितना देनदारी है अभी तक। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता जरूर बन रही है, और निगम के अंदर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ उनके पास 28 करोड़ रुपए है तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसके अंदर गोलमाल जरूर होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, अगर कर्मचारियों की बात करें जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, क्योंकि उनके धनराशि को लेकर के भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कई सेवानिवृत्त को भी उनका पैसा नहीं दिया गया है, उनकी तरफ से क्या अभी तक कुछ शिकायत की गई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं सेवानिवृत्त होने वाले जो लोग हैं यानी कर्मचारी जो है उनका बकाया पैसा क्यों नहीं काटा गया है और उनको क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको बकाया पैसा देना पड़ता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम की, निगम के जो अधिकारी हैं या फिर कहें दिल्ली भाजपा के जो आदेश गुप्ता जी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके के जवाब दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं और मुश्किलें जो है वो भाजपा की बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि सिर्फ उनके पास 28 करोड़ है, बाकी का पैसा नहीं है, और जो बाकी का हिसाब मांगा गया था तो वो कहीं ना कहीं वो भी चौंकाने वाला था, क्योंकि 1232 करोड़ रुपए का हिसाब बनता है और जिसके अंदर से सिर्फ 28 करोड़ रुपए ही निगम के पास है, यानी कि 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट है वो कहां पे चला गया और वो किस तरीके से भाजपा भरेगी या फिर अगर निगम के अंदर बदलाव होते हैं, क्योंकि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, 2022 के अंदर चुनाव है निगम के, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी अगर सरकार बदलती है
तो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी होगी, क्योंकि बकाया पैसा जो है वो कर्मचारियों का वो कहाँ से दिया जाएगा, उसके लिए क्या इंतजाम किया जाएगा, और भाजपा अगर वापिस आती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि भाजपा के पास सिर्फ पैसा ही नहीं है और कहीं ना कहीं जो गोलमाल हुआ है उसको लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं तो वो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी। आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि निगम के जो कर्मचारी हैं उनका पैसा किस तरीके से दिया जाता है, या आम आदमी पार्टी आती है तो वो किस तरीके से देगी, और भाजपा वापिस आती है तो वो किस तरीके से पैसा देगी। मगर अभी तक जो कर्मचारी है वो परेशान है, क्योंकि उनको जीएफ नहीं मिल पा रहा है और लगातार कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से मुश्किलें जो है वो निगम के कर्मचारियों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, यकीनन जिस चीज़ पर संवैधानिक तौर पर उनका अधिकार बनता है वो अगर उनको नहीं दिया जा रहा है या उनको नहीं मिल पा रहा है तो वो परेशान तो होंगे ही। अगर इस पूरे मुद्दे पर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से क्या भी कोई जवाब आ पाया है कि एक गंभीर देखिए, आरोप बिल्कुल लगा सही कहा है? आपने। यहाँ से बात करें जिस तरीके से जीएफ को लेकर लगातार सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार यानी कि भाजपा को घेरने की कोशिश की है, यहाँ तक कि निगम के अंदर भाजपा की सरकार है, और कहीं ना कहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है आदेश गुप्ता जी, उनसे बार बार जवाब मांगा जा रहा है कि आप ये बताइए कितना बकाया देना है सेवानिवृत्ति वालों को, और कितना अमाउंट उनके पास है, और कितना देनदारी बनती है। तो ये सारे जिस तरीके से जवाब आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया भाजपा आदेश गुप्ता की तरफ से कि 1232 करोड़ रुपया बनता है और वो कहीं ना कहीं उनको देना है, मगर जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि निगम के अंदर सिर्फ 28 करोड़ रुपया है तो बकाया पैसा कहाँ चला गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और निगम के जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता तक यही मैसेज जाता नजर आ रहा है कि भाजपा के अंदर जितने भी कर्मचारी बैठे हुए हैं यानी निगम के अंदर जितने भी भाजपा के नेता बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनका पैसा जो है वो अपनी अपनी जेबों में भर रहे हैं, और कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी इसीलिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से भी यही कहा जाता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं निगम को गुमराह कर रही है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों को भटकाने की कोशिश कर रही है, जो निगम है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है आदेश गुप्ता ने, वो खुद अपने जवाब के अपने आंसर के अंदर ही खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया 1232 करोड़ रुपया देनदारी है और 28 करोड़ रुपया उनके पास बाकी है, तो यानी कि सीधे सीधे कहें तो बाकी का पैसा कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है, और कर्मचारियों को पैसा दिया क्यों नहीं जा रहा है ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मगर देखना होगा कि आज आम आदमी पार्टी किस तरीके से भाजपा से सवाल पूछती है, और कहीं ना कहीं उनके जो जवाब आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। मगर आने वाले चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे और भाजपा को शायद इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए राजीव जी, भ्रष्टाचार पर एक बड़ी चोट का नारा के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी आई थी, और अगर आम आदमी पार्टी, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी को लेकर के लगातार ये माना जाता है कि आम जनमानस की पार्टी है, और यही बात अरविंद केजरीवाल हो चाहे उनके प्रवक्ता हो लगातार कहते हैं कि हम आम जनमानस की पार्टी है, आपके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। और ये जो खबर सामने आ रही है कि 1200 करोड़ के तकरीबन के धनराशि जो है 20 से गायब हो चुकी है, और आरोप भाजपा पे है, तो आप भाजपा की छवि को एक बड़ा असर दिल्ली पे पड़ता नजर आएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें निगम की यानी कि भाजपा की, तो भाजपा बड़ी लगभग 15 साल से निगम के अंदर थी, और कहीं ना कहीं जो सारे कार्यकाल था वो कहीं ना कहीं भाजपा के हाथों में था। मगर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछे और सवाल के जो जवाब आए हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए खुद मुश्किलें खड़ी करता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया 1232 करोड़ रुपया देनदारी है और उसके अंदर उनके पास सिर्फ 28 करोड़ रुपया, तो बाकी का पैसा कहाँ चला गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर इसी क्रम जो कर्मचारी है इसी क्रम को लेकर लगातार कहीं ना कहीं अपनी सैलरी कहें या जीएफ को कहें या लगातार मांगते हुए नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं उनकी जो परेशानियां थी वो निगम दूर करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो जो आम आदमी यानी कि आम व्यक्ति की पार्टी है और जो उनकी जो अधिकार है वो उन तक पहुंचाए जाएंगे, मगर जिस तरीके से अब खुलासा होता नजर आ रहा है तो उससे कहीं ना कहीं भाजपा की जरूर मुश्किलें बनती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं कर्मचारी जो हैं वो निगम से नाराज भी हैं, और काफी हद तक तो ये भी कहा जा रहा है कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, जीएफ नहीं दिया जा रहा है, रिटायरमेंट जो हो चुके हैं उनको उनका पैसा नहीं दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मुश्किलें निगम की खुद बनती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर समझना होगा कि जिस तरीके से निगम के पास पैसा नहीं है और वो पैसा गया कहाँ, इसकी जाँच होनी चाहिए, और यही चीज आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो निगम के अधिकारी हैं, ये निगम के जो नेता हैं, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए कि बकाया पैसा कहां चला गया, और क्यों सैलरी जो नहीं दी जा रही, जीएफ नहीं दिया जा रहा है,
वो क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनका जो पैसा है वो उन तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर निगम के जो कर्मचारी नाराज है, जिनको जीएफ नहीं मिला, जिनको सैलरी नहीं मिल रही और तीन तीन चार चार महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कर्मचारी बिल्कुल परेशान है, क्या वो भाजपा को ही पसंद करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी भी को पसंद करेंगे। मगर देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर कर्मचारी किस तरफ जाता है। जी बिल्कुल राजीव जी, लेकिन अगर राजीव जी यहाँ 1232 करोड़ की बात की जाए, इसका क्या होगा? क्योंकि ये धनराशि पर अभी तो कोई जवाब नहीं दे रहा, एक पक्ष सवाल पूछ रहा है, दूसरा कह रहा है कि हमें अभी अभी इस पर हम कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन ये धनराशि एक बड़ा अमाउंट है और उसका एक बड़ा खामियाजा जो है नगर निगम के कर्मचारियों को या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। अगर ये धनराशि का हिसाब नहीं दिया जाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 12 से 32 करोड़ रुपए की, और कहीं ना कहीं निगम की तरफ से सिर्फ इतना ही जवाब दिया गया कि उनके पास सिर्फ 28 करोड़ रुपया है, तो बाकी का पैसा कहाँ है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता की और उसके अंदर बड़े खुलासे किए कि 1232 करोड़ रुपए का हिसाब जो है वो निगम को देना होगा, मगर जिस तरीके से निगम की तरफ से जवाब आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, और खुद निगम के जो अधिकारी है यानी कि भाजपा के जो है उनकी मुश्किलें खुद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया 28 करोड़ रुपए उनके पास बकाया है और बाकी का पैसा उनके पास नहीं है और उसके लिए वो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें जरूर बनती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं निगम के जो कर्मचारी हैं, जो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनका पैसा किस तरीके से दिया जाएगा ये कर्मचारी खुद जानना चाहते हैं, और करने कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं कर्मचारियों की वो भी बनी हुई है, क्योंकि त्यौहार नजदीक है, दिवाली का फेस्टिवल नजदीक है, और कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है अपनी सैलरी के लेकर, जीएफ को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास धक्के खा रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहे हैं, पड़ रहा है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से भी ये कहा जा रहा है कि वो उनका पैसा दिलवाए, मगर आम आदमी पार्टी वो पैसा कहां से देगी, क्योंकि जब भाजपा ही जब इस तरीके के जवाब दे रही है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बनी हुई है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है वो नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिसाब होना बेहद जरूरी है। अगर वो धनराशि देनी है तो पहले पता तो चले कि वो 1232 करोड़ गए किधर। 28 करोड़ का हिसाब है तो उसको ये सरकार ने तो वो सरकार दे देगी, लेकिन पता तो चले पहले कि 1232 करोड़ गए का। बिल्कुल धन्यवाद राजीव जी बेसा जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी जी संवाददाता दिल्ली से बेसा जुड़े थे। बड़ा मामला है, देखना होगा किस पर आगामी कार्रवाई क्या की जाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 18 दिन बाद शुक्रवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। नाराज चले सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा वापस लेने की बात कही है। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के अचानक इस्तीफे देने के बाद उनके कांग्रेस छोड़ने के भी कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन दशहरे के दिन सिद्धू ने इस्तीफा वापस ले लिया। बृहस्पतिवार को संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात के बाद अपने कदम पीछे हटाने के संकेत दिए थे। दरअसल 28 अक्टूबर को इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने जिस तरीके के तेवर अपनाए उससे केंद्र नेतृत्व की फजीहत हुई थी, क्योंकि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला सीधे नेतृत्व का था। वहीं जिस दिन कांग्रेस कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को पार्टी में स्वागत कर रही थी उससे ठीक पहले सिद्धू ने इस्तीफे का बम फोड़ करके किरकिरी कराई थी। इस बात से सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल और प्रियंका भी खासे नाराज थे। आपको बता दें कि सिद्धू ने 18 दिन के बाद जो है अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अब वही जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत रहने वाले हैं, और अहम बात है कि आगामी चुनाव में वो पूरा उनको नेतृत्व दिया जा रहा है एक तरीके से कि वो संभाले कमान और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएं। क्योंकि कांग्रेस की अगर आप बात करते हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसलिए बार बार बड़ा चेहरा कहा जाता है क्योंकि जब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दाव लगाया है कांग्रेस ने, अच्छी सीटें बेहतरीन सीटें जीती हैं पंजाब में। अब की बार जो दाव लगाया जा रहा है वो नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चन्नी के चेहरे पर लगाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इसका आगामी परिणाम क्या आता है, लेकिन प्रयास यही है कि बेहतर परिणामों के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बना सके, लगातार यही प्रयास नेतृत्व कर रहा है। कुलवीर दीवान मेरे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं पंजाब से। कुलवीर जी क्या कहेंगे, एक लंबा नाटक पंजाब का चला जिसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा कल वापस ले लिया है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर वो बरकरार रहने वाले हैं। खासे नाराज हुए थे आला कमान, ये भी फैसला उनकी तरफ से लिया गया था, और समय ये भी कहा गया था कि मीडिया और सोशल मीडिया पर अपने ऐलान करने से बेहतर है कि आप नेतृत्व के पास आकर के अपनी बात रखें। देखिए बिल्कुल, नवजोत सिंह सिद्धू सरकार की कुछ फैसलों से नाराज
नाराजगी के चलते अपनी बात जो है वो पार्टी लेवल पर ना करते हुए सीधा इस्तीफा दिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसके कारण गिनवाए। हालांकि सिद्धू के कारण जायज हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक वो बड़ी जिम्मेवारी वाले पद पर थे, क्योंकि मुखिया होता है एक अध्यक्ष जो है वो पार्टी का किसी भी राज्य की इकाई में या फिर नेशनल लेवल पर, तो यदि उसका व्यवहार ही इस तरह का होगा तो निश्चित तौर पर पूरी पार्टी जो है असमंजस में पड़ जाती है। और वही पंजाब में हुआ, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने जब इस्तीफा दिया और चुपचाप अपने घर बैठ गए तो पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो पंजाब की असमंजस में थी। हालांकि परिक्रमा की गई पंजाब के जो स्थानीय नेता हैं वहां उनके द्वारा, लेकिन नेतृत्व भी कहीं ना कहीं जो जो माफ कीजिएगा कांग्रेस कमान भी जो कहीं ना कहीं वो असमंजस की स्थिति में इसलिए थी कि कहीं उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को इतना इतनी ज्यादा पावर देकर कहीं कोई गलती तो नहीं की। क्योंकि जी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आपकी बात को पूरा कराती हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रुक रही, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक में आपका स्वागत है, सीधा कुलबीर दीवान जी का रुख करेंगे। कुलबीर दीवान जी, आला कमान की जब हम बात कर रहे हैं तो आला कमान नाराज हुआ था और एक बार खुद को उसको ऐसा लगा था कि शायद उसने गलत निर्णय ले लिया है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो निर्णय था वो खुद नेतृत्व का निर्णय था। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू का जो व्यवहार था गैर जिम्मेवाराना व्यवहार था, और बेशक उनके जो कारण हैं वो तर्कशील हो सकते हैं, बेशक वो जायज हो सकते हैं, और एक पार्टी की छवि को सुधारने के लिए हो सकता है कि उन्होंने सही जो मुद्दे हैं उनको उठाया था, लेकिन इस्तीफा देकर चुपचाप घर बैठ जाना ये कहीं ना कहीं एक पार्टी को दुविधा में डालने की भूमिका थी या फिर इस तरह का व्यवहार था। क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है और इलेक्शन में यदि कोई बड़ी पार्टी इस तरह की असमंजस में होगी तो निश्चित तौर पर वो अपनी चुनावी रणनीति जो है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और पंजाब क्योंकि सत्ता में भी है लिहाजा कांग्रेस सरकार का जो कामकाज है उस पर भी इसका जरूर कहीं ना कहीं असर जो है वो देखा जा सकता है। तो फिलहाल जो नेतृत्व है, जो कांग्रेस नेतृत्व है, उसने शायद यही सोचकर सिद्धू को ज्यादा मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जब पटियाला में बैठ गए थे इस्तीफा देकर अपने घर, तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उसी रात उनको मिलने जाना चाहते थे और उनका कार्यक्रम लगभग तय था और वो निकलने वाले थे अपने घर से, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनको निर्देश दिए कि वो नवजोत सिंह सिद्धू के पास पटियाला में नहीं जाएंगे और नवजोत सिंह सिद्धू खुद चंडीगढ़ में उनके साथ आकर मीटिंग करेंगे। यानी इस बार नेतृत्व ये समझ गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को यदि इतनी ही अहमियत देती रही तो निश्चित तौर पर उनका व्यवहार जो है वो सुधरने वाला नहीं है। तो अहमियत नहीं दी गई, नवजोत सिंह सिद्धू को भी एहसास हुआ और तभी वो लखीमपुर खीरी तक भागे और अपनी हाजिरी जो है वो सक्रियता की दर्ज करवाई, और इससे पहले गवर्नर हाउस के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तारी दी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को यह एहसास हो गया था कि अब उनका नखरा जो है वो नहीं चलेगा, लिहाजा वो लाइन पर आए और कहीं ना कहीं बहाना जो है वो ढूंढा जा रहा था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जिस बात पर अड़े हुए हैं वो बेशक एक सिद्धांतों की लड़ाई हो सकती है, उनसे समझौता करना यदि वो करते हैं तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक कद है उस पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसको छोटा करने वाला हो सकता है। लिहाजा नवजोत सिंह सिद्धू ने जब केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से दिल्ली में 2 दिन पहले मीटिंग की तो उन्होंने वीडियो जारी करके साफ किया कि वो मुद्दों पर कायम है, और इसके बाद राहुल गांधी से उन्होंने बात की तो वहां पर भी उन्होंने तमाम वो मुद्दे उठाए जो जिस जिसकी वजह से वो नाराज हुए थे, और राहुल गांधी ने उन्होंने कहा बाहर आकर मीडिया से कि राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि वो मुद्दे जो हैं वो शॉर्ट आउट होंगे, और उन्होंने ये कहा भी, दावा भी किया कि मुद्दे शॉर्ट आउट हो गए हैं। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा जो है वो पूरे एक ये कहें कि नाटकीय घटनाक्रम से हुआ था, और फिर से पटरी पर जो गाड़ी है वो आती हुई दिखाई दे रही है पंजाब कांग्रेस की।
तो फिलहाल देखना होगा कि आगे किस तरह से कांग्रेस की रणनीति रहेगी और खासतौर पर नवजोत सिंह सिद्धू का व्यवहार में क्या कोई बदलाव आएगा या फिर मुद्दों पर अड़े रहेंगे और सरकार क्या उनके मुताबिक काम कर पाएगी, चल पाएगी। बिल्कुल कुलवीर जी, एक और सवाल यहाँ पर उठता है क्योंकि आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं पंजाब में, और ये जिम्मेदारी जो होती है मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो, और प्रदेश अध्यक्ष जो होता है, ये उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करे और ये प्रयास करे कि आगामी चुनाव में जो दल है वो विजय प्राप्त करे। क्या आपको लगता है कि इतना भरोसा अब आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू पर कर पाएगी कि उनके अनुसार उनके लिए गए फैसलों को वो सहर्ष स्वीकार कर ले? भरोसा ही जताया है तभी उनको एक बड़ी जिम्मेवारी जो है वो दी है, और उनको जो जिम्मेवारी दी गई है उसमें कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनकी बलि ली गई है। तो एक बड़ा चेहरा साइडलाइन करना पड़ा सिद्धू को खुश करने के लिए, एक बड़ा रिस्क है, एक बड़ा जोखिम है, और नवजोत सिंह सिद्धू की राह में भी बहुत सारे कांटे हैं, बहुत सारे रोड़े हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे मैदान में उतर चुके हैं उनके खिलाफ और ये ऐलान कर चुके हैं बकायदा कि वो जहां से भी नवजोत सिंह सिद्धू लड़ेंगे उनको वो हराएंगे। यानी ये तो चैलेंज है सीधे तौर पर जिन्होंने मुखर फुकर कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, लेकिन जो कैप्टन अमरिंदर सिंह धड़े के लोग अभी भी कांग्रेस में हैं वो भी कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को सफल होता या फिर उनकी सफलता की राह में रोड़े बनेंगे, क्योंकि एक धड़ा अभी तय कर चुका है कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को फेल करना है। तो ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू की राह आसान तो नहीं है, लेकिन इस राह लेकिन ये कहा जाए कि नामुमकिन भी नहीं है, और ये नामुमकिन तभी होगा जब नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे और उन तमाम ऐसे तमाम व्यवहार को छोड़कर वो आगे बढ़ेंगे सभी को लेकर, तो उनको उनको सफलता मिल सकती है, तो कांग्रेस को पंजाब में सफलता मिल सकती है, नहीं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान जो है उसको पछताना पड़ सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो फैसला किया था वो कहीं गलत साबित ना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद कुलबीर जी बेसा जुड़ने के लिए। यकीनन एक अहम फैसला है जो आला कमान की तरफ से लिया गया है और भरोसा जताया गया एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर, आगामी समय में वो क्या प्रदर्शन करते हैं ये जरूर देखने वाली बात होने वाली है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पर 35 वर्षीय दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या और फिर शव के साथ बर्बरता किए जाने का मामला बढ़ता जा रहा है। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है जिसमें सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग की गई है। आपको मालूम हो कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल से ही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर, जहां पर शुक्रवार सुबह एक शख्स का शव बैरिगेट पर लटकता हुआ मिला। लखबीर सिंह की हत्या के मामले में वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने शुक्रवार शाम को सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर कर मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में वकील ने मांग की है कि सिंघू बॉर्डर को भी जल्द से जल्द खाली करवाया जाए। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के मंच के पास से दलित शख्स लखबीर सिंह का शव बरामद किया गया था। मृतक पंजाब के तरन तारण जिले का रहने वाला था। इसकी तीन बेटियां भी हैं जो कि अपनी माँ के साथ रहती हैं। तो कल ये पूरा मामला घटनाक्रम सामने आया था जिसमें इस युवक के पहले तो हाथ काटे गए थे, आपने देखा होगा, इसका एक हाथ काट करके वो अलग से टांगा गया था और उसके बाद बॉडी बहुत बर्बरता के साथ टांगी गई थी। काफ़ी हृदय विदारक दृश्य था, जिन्होंने भी देखा उससे पता है कि तस्वीरें कोई भी व्यक्ति आपको दिखा नहीं सकता है, आकलन आप कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है, इसलिए हम भी आपको वो फुटेज जो है बिल्कुल क्लियर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही ऐसा दृश्य आप कह सकते हैं जिसे अमानवीय दृश्य कहा जाता है। ये अपेक्षित नहीं था कि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम होगा। निहंग जो होते हैं उन्होंने इस बात की सहमति भरी है कि उनकी तरफ से इस घटनाक्रम को किया गया है। दूसरी सबसे अहम बात है कि एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बेअदबी का आरोप इस युवक पर लगाया गया, लेकिन अब अहम बात ये निकल कर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में इस मामले को उनके सामने पेश किया जा रहा है। एक याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका में सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग की गई है। देखिए ये बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है क्योंकि देश में आंदोलन आप चाहे कितना लंबा चला लीजिए उससे किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन जब आपका आंदोलन में कहीं भी हिंसा आ जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंसा की वो जगह नहीं है। बापू ने हमेशा एक ही बात कही थी कि अगर आपको अपनी कोई वाजिब बात रखनी हो तो आप आंदोलन करिए,
आप घेराव करिए, आप प्रदर्शन करिए, लेकिन हिंसा का हाथ थाम लीजिए, ये हिंदुस्तान में आए अनुमति नहीं देता कानून। अमित कुमार मेरे साथ फोनलाइन पर, मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब सिंघू बॉर्डर की घटना को की याचिका डाली गई है और सीधी मांग है याचिकाकर्ता की कि सिंघू बॉर्डर को खाली करा दिया जाए। इस तरीके के अमानवीय व्यवहार क्योंकि अब आंदोलन में होने शुरू हो चुके हैं, इसलिए बॉर्डर खाली कराया जाए। देखिए, इस घटना का हम कहें कि हर कोई निंदा करता हुआ नजर आया, चाहे हम सरकार की बात करें, चाहे नेताओं की बात करें, या फिर हम खुद किसानों की बात करें। कल खुद किसानों ने, अगर हम कहें संयुक्त किसान मोर्चे ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चीज क्लियर करने की कोशिश की कि जिस व्यक्ति की मौत हुई और जिन्होंने इनका जिसे मारने का हाथ बताया जा रहा है, अगर हम कहें निहंगों ने, जिन्होंने खुद कबूला है कि उन्होंने ये मर्डर किया है, तो उनका खुद किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर इस चीज क्लियर की है, उन्होंने इस बात पर सीधे तौर पर जोर दिया कि वो किसानी आंदोलन में नहीं थे, वो निहंगों के साथ ही, जो व्यक्ति था जिसकी मर्डर हुआ है वो निहंगों के साथ ही रह रहा था और उन्हीं के साथ था, उसका किसानों से और किसानी आंदोलन से कोई नाता नहीं है। उन्होंने ये चीज स्पष्ट करने की बार बार कोशिश की गई। हाँ, कल की अगर हम बात करें तो कल खुद निहंगों ने भी कबूला था कि उन्होंने मर्डर किया और बकायदा सरेंडर भी कर दिया गया। तो एक तरह से यहाँ पर पुलिस अपनी कार्रवाई करती नजर आई, पर जो सवाल उठता है अभी है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस मर्डर के लिए जिम्मेदार कौन है। तो किसानों की तरफ से बार बार वही चीज कही जा रही है कि वो हमसे रिलेटेड ही नहीं है, तो उस पर हमारी जवाबदेही नहीं बनती। पर सवाल अब ये उठता है क्योंकि जहां मर्डर करके बॉडी टांगी गई, वो मेन किसान सिंघू बॉर्डर का मेन स्टेज है, उसे ठीक 100 मीटर की दूरी पे, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनकी जवाबदेही कैसे नहीं बनती, क्योंकि जो बॉर्डर है जहाँ पे इतना लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो एग्जैक्टली सब कुछ उनके अंडर आता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, तो उसमें भी अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। देखिए, अब सवाल बहुत से उठे, सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर यही सवाल पूछे कि क्या ये एक्शन आपके अंडर हुआ था, कि आपको इस एक्शन की जानकारी मिली, और अगर मिली थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्या इतनी। बाकी पुलिस से भी पूछा जाएगा कि आखिर इस एक्चुअल इंसिडेंट में हुआ क्या, क्योंकि अपनी तरफ से पुलिस छानबीन शुरू कर चुकी है, निहंगों ने भी अपनी तरफ से सरेंडर कर दिया गया, जिन्होंने खुद कबूला है कि उन्होंने मारा है, उन्होंने मारने का कारण भी इसी तौर पर दिया है कि बेइज्जत भी की गई थी गुरु ग्रंथ साहब की, तो उन्होंने सीधे तौर पर गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती भी उनसे बर्दाश्त नहीं, और उन्होंने उसके चलते अगर हम कहें कि जो व्यक्ति है उसका मर्डर कर दिया। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है, कल उसकी तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि निहंग हमारे लिए पहले से ही लगातार समस्या बनते सामने आ रहे हैं। 26 जनवरी को जो घटनाक्रम हुआ था उसमें भी निहंग जा करके आंदोलन में शामिल हो गए थे और उन्होंने खूब उत्पात मचाया था, और इस बार भी जो घटना हुई है उसकी वजह से हमारे ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, जबकि वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक जो नैतिकता के आधार पर कहा जाता है वो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो आंदोलन कर रहा है उसके एरिया में, जितने एरिया में वो कवर कर रहा है, अगर उसकी आड़ में या उसके किसी भी तरीके के समर्थन के साथ लेकर के ये कहा जा रहा है कि हमने इसकी हत्या कर दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी किसान आंदोलन की भी बनती है, क्योंकि वहां पर किसान आंदोलन चल रहा है, 1 साल से चल रहा है, और वहां पर ऐसी घटना हो जाती है और उन्हें खबर भी नहीं होती कि किसी की हत्या की जा रही है। खड़े होते हैं, देखिए अगर किसानी की हम बात करें, सीधे और किसानों की बात करें, तो कहीं पर भी कोई इंसिडेंट होता है किसानों से रिलेटेड, तो वो उसके खड़े होते हैं, अगर हम कहें पूरे, अगर हम कहें हाथ से या जो इंसिडेंट है उसकी निंदा करते हैं। पर सवाल ये होता है कि अब उनके ठीक अपने घर पे, जहाँ पे उनका खुद का आंदोलन चल रहा था, वहां पे इतनी बड़ी घटना हुई है। हाँ, जरूर अगर हम कहेंगे, ये बात बिल्कुल सही कही, किसान संयुक्त किसान मोर्चा शुरू से ही कहता है कि निहंग उनके आंदोलन का हिस्सा नहीं है, और अगर हम कहें 26 जनवरी की घटना की बात करें या इस घटना की बात करें, इस दोनों ही घटनाओं में निहंग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, तो उस पर वो लोग ये जरूर कहते रहे, उनकी तरफ से कहा जाता है कि इनको निहंगों को रिस्पॉन्सिबल रहा, जितना भी अगर हम कहें कि माहौल खराब करने की कोशिश, या फिर अगर हम कहें कि जितना भी उत्पात मचाया जाता है, किसानी आंदोलन के नेता लगातार कहते हैं कि निहंगों के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे में उनसे हमेशा ही खुद को अलग दिखाते हुए नजर आया। पर सवाल ये उठता है कि आपने उन्हें वहां आने दिया, आपने उन्हें जगह दी रहने की, आपने उन्हें अपने आंदोलन में भले ही औपचारिक तौर पर जरूर हिस्सा नहीं बनाया, पर आपके साथ वो वहां पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं किसानी आंदोलन के नेताओं की, अगर हम कहते हैं किसान मोर्चे की भी, फिर भी जवाबदेही बनती है। पर सवाल ये कि क्या उनका पल्ला झाड़ना, कि जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि ना हमारा निहंगों से, ना ही जिस व्यक्ति की मौत हुई उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति खुद निहंगों के साथ ही रहता था, उन्हीं के साथ था, तो उसमें हमारी जवाबदेही नहीं बनती है, और सीधा ही पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट काफी होगी उन्हें किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाने के लिए। जी बिल्कुल, अभी तो एक और चीज़ यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि देखिए ये जो हिंसा हुई है इसके दो पहलू सामने आ रहे हैं, कई लोग इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं,
कई लोग इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब बात हम कानूनी प्रक्रिया की करते हैं तो हिंसा की अनुमति कानून हमें नहीं देता। क्या आपको लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है सिंगू बॉर्डर को खाली करने का आदेश जारी कर देगा? क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर चुका है कि आप इस तरीके से लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं बॉर्डर्स पर रोक करके। जब बीच में दिल्ली के अंदर की अनुमति मांगी थी, मैदान की, जंतर मंतर के मैदान की अनुमति मांगी थी, तब भी कोर्ट ने ये कहा था कि अभी बाहर आप लोगों को कम परेशान कर रहे हैं, जो आपको अंदर आकर के पूरे कामकाज को ठप करना है। और ये तो एक बड़ा घटनाक्रम है, क्या इसके बाद माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगा कि आप बॉर्डर खाली कर दीजिए? देखिए, बॉर्डर खाली करना आना या करवाना एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं एक एक्सट्रीम स्टेप होगा। अगर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जरूर दे सकता है, देखिए इसमें कोई राय नहीं, पर ये खुद फैसला सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि क्या फैसला है, क्या सिंगू, क्योंकि देखिए वो हर पहलू कंसिडर करेंगे, वही पहले पहलू कंसिडर करेंगे क्या एक्चुअल में ही किसान इस पूरे इंसिडेंट के लिए जिम्मेदार है, या फिर अगर हम क्या जी हम जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है वो खुद सरेंडर कर चुके हैं। उसके दूसरी बात जो बार बार उठ के सामने आ रही है, जिसमें कई लोग इस मर्डर का सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें उसमें ये है कि मिहंगों के द्वारा ये बात कही जा रही है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी करता हुआ शख्स पकड़ा गया है, करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में अगर हम देखिए पंजाब में रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत ज्यादा हाई है, अगर हम बात कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब के लिए, किसी गुरु धार्मिक ग्रंथों के लिए, तो सेंटिमेंट बहुत हाई है। और ऐसे में कई बार इंसिडेंट, जैसे हम बात करें कि पंजाब में कई बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं बेदबी को लेकर, तो ऐसे में ये एक फैक्टर भी जरूर कंसिडर किया जाएगा। बाकी दूसरी बात, जो व्यक्ति जिसकी मौत हुई वो भी पंजाब से, और जो अगर हम कहें मर्डर करने वाले या फिर हम कहें निहंग, वो भी पंजाब से हैं, तो सवाल अब यही उठ जाता है कि क्या पंजाब सरकार इसमें इंटरवीन करने की कोशिश करेगी और इसको पंजाब का मैटर बनाने की कोशिश करेगी? तो भी कई फैक्टर्स हैं जिसे कंसिडर ऑल ओवर किया जाएगा। इसमें एक और बात मैं जरूर ध्यान में लाना चाहूंगा कि विजय सांपला, उन्होंने जो हम कहें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने भी बताया था हरियाणा डीजीपी से रिपोर्ट मांगी कि आप 24 घंटे के अंदर मुझे रिपोर्ट दें, किसी तौर पे कि आप मुझे रिपोर्ट दें कि आखिर पूरा इंसिडेंट हुआ क्या है, उसके बाद उनकी तरफ से कोई टिप्पणी और की जा सकती है। देखिए हर कोई अपनी तरफ से एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, आखिर रिपोर्ट क्यों मांगी? आप ये बताते हैं कि जो लखवीर सिंह है जिनका मर्डर हुआ है, उनको अगर हम कहें कि वो दलित समाज से थे, तो ऐसे में बार बार ये सवाल उठता है कि क्यों उनके लिए कंपनसेशन की मांग नहीं की जा रही थी, तो आपको बोल रहे कि आखिर क्यों इतनी बेरहमी से, कि अगर जो बेदबी हुई है उस बात से मना नहीं करते, पर ये बोलते हैं कि क्या किसी भी आम व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का हक है, वो इस बात किसी तौर में निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आगे कार्रवाई क्या बनती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुमूत एक्शन ले सकता है, ये बिल्कुल जायज बात है, पर सवाल ये उठता है कि किन किन पहलुओं पर लेगा और इसका किसानी आंदोलन पे इम्पैक्ट तो पड़ना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट से पंजाब के लोग और पूरी दुनिया के लोगों में एक बहुत गलत मैसेज गया कि क्या सिंगू बॉर्डर पे या फिर हमें किसानी स्टेज के पास अब माहौल खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जी अभी जी, इस पे एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर षड्यंत्र का आरोप भी जो है किसानों की तरफ से लगाया गया है, ताकि जानबूझ के उनके आंदोलन को बदनाम किया जा सके, इस पर फिर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि जिस तरीके से अब याचिका दाखिल हुई है ये बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर रही है कि कानूनी छेड़छाड़ जैसी होगी याचिका दाखिल हो जाएगी। आपको याद होगा इससे पहले भी ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो है किसान आंदोलन पर कई बार सवाल खड़े किए गए, 26 तारीख के घटनाक्रम को लेकर के कई बार सवाल खड़े किए गए। ये घटनाक्रम जो अब हुआ है, जिस तरीके से युवक की हत्या की गई है, इसके बाद एक बार फिर ये मामला जो है कोर्ट तक लेकर के जाया जा रहा है, क्योंकि आरोप ये लगाया गया है कि षड्यंत्र है हमारे खिलाफ, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा था कि किसान आंदोलन बदनाम हो और इसे खत्म कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि इस पर कहीं षड्यंत्र हो सकता है? षड्यंत्र की एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि देखिए किसी व्यक्ति को मार कर, देखिए अगर हम इंसिडेंट बोलते कि किसी व्यक्ति पत्थर फेंके गए उसमें बोल सकते हैं षड्यंत्र, पर यहाँ पे सीधे तौर पर एक मर्डर करवाया जा रहा है, मर्डर इसमें हम कहते हैं गुस्से में किया गया या प्री प्लान तो नहीं बोलेंगे इस पे, वो पुलिस अपनी छानबीन में बोलेगी। पर सवाल ये थे कि किसान नेताओं ने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस चीज पर बार बार जोर दिया कि ये जो इंसिडेंट है ये एजेंसी द्वारा कराया गया है, उनके द्वारा लोगों को बीच में भेजा गया जिन्होंने माहौल गरमाया जिसके बाद ये इंसिडेंट होती है, उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसिडेंट को वो किसानी आंदोलन से जितना हो सके अलग कर दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक बार ये किसानी आंदोलन से जुड़ता नजर आए तो किसानी आंदोलन को एक बड़ा झटका लगेगा, तो उस चीज को बार बार कोशिश करें। और यही सवाल अब बार बार उठता है आम जनता के मन में भी, ये सवाल उठ जाता है कि आखिर क्या अब किसानी आंदोलन में जाना सेफ नहीं है? आखिर इतने लंबे समय से जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, दो घटनाएं हुई है अगर हम बात करें, 26 जनवरी की घटना ही हम कह सकते हैं जिसमें पीसफुल इंसिडेंट नहीं था, वहीं दूसरी तरफ अब ये वाली घटना, पर ऑल ओवर हम बात करें तो लगभग पूरे अगर
पर इसमें ये जस्टिफिकेशन नहीं था, पर किसानी आंदोलन काफी लंबे समय से पीसफुल चल रहा है। दो इंसिडेंट ऐसे हैं जिसमें अगर हम कहें कि माहौल बिगड़ने की या फिर हम कहें कि एग्रेसिव घटनाएं हुई है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों ही इंसिडेंट ही अकेले ही काफी है पूरे किसानी आंदोलन को डीरेल करने के लिए? तो किसान नेता सभी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके इसको राइट ट्रैक पर रखा जा सके और जितना हो सके ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। पर अब घटना एक और हो चुकी है, 26 जनवरी की लगातार कोशिश कर रहे थे, पर अब कल की घटना बाद माहौल काफी ज्यादा गर्माया हुआ। अब सवाल ये उठता है कि इसको वापस कैसे शांत किया जाता है और कैसे, क्योंकि देखिए किसानी आंदोलन के नेताओं ने सीधे तौर पर बोल दिया कि हम बिल्कुल धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़े के लिए। अमित कुमार संवाददाता चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए थे। ये केवल एक चिंता का विषय है कि हालात बिगड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा वो देखने वाली बात होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने वीर सावरकर विवाद, ड्रग्स केस, भ्रष्टाचार के आरोप समेत तमाम मुद्दों पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को ड्रग्स के जरिए बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आर्यन खान ड्रग्स केस का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा कि जानबूझकर हस्तियों को बदनाम करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में शिवसेना की सालाना दशहरा रैली में ठाकरे ने सावरकर विवाद को लेकर के कहा कि भाजपा ना तो वीर सावरकर और ना ही महात्मा गांधी को समझ सकी है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि गांधी जी ने सावरकर को सलाह दी थी कि वे अंग्रेज सरकार के समक्ष दया याचिका दायर करें। उनके इस बयान से देश में सियासी बहस छिड़ गई। गठबंधन खत्म होने के बाद भाजपा द्वारा शिवसेना को भ्रष्ट करने पर भी महाराष्ट्र के सीएम ने कड़ी आलोचना की है। देगलूर उपचुनाव के लिए पूर्व शिवसेना नेता को भाजपा प्रत्याशी बनाने पर ठाकरे ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की हालत यह है कि उसे उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी आयात करना पड़ता है। तो आपको बता दें कि क्योंकि दशहरे पर एक महासभा का आयोजन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि करा जाता है शिवसेना की तरफ से, और ये एक बार फिर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में कुछ सवाल थे, जो दशहरा रैली होती है शिवसेना की उसमें कई सवाल खड़े किए गए हैं भाजपा के ऊपर, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हो, वो ड्रग्स केस का मुद्दा हो, चाहे वो वीर सावरकर का मुद्दा हो। वीर सावरकर को लेकर के आपको याद होगा भी हाल ही में राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने दया याचिका पर कहा था कि महात्मा गांधी के कहने पर दया याचिका जो है वीर सावरकर ने दी थी। और दूसरी अहम बात इसमें ये कही गई कि जब वीर सावरकर के पास वो लीगल राइट था, क्योंकि देखिए हर किसी को दया याचिका दाखिल करने के एक अधिकार जो है कानून में दिया गया, और वो उन्हें भी था तो उन्होंने दया याचिका दाखिल की थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ड्रग्स केस में भी बात की है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में बॉलीवुड मुंबई में बसता है, ड्रीम सिटी कहते हैं मुंबई को, और वहाँ पर लगातार ड्रग्स केसेस भी सामने आ रहे हैं। सत्यप्रकाश सोरी मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी क्या कहेंगे, क्योंकि कल की दशहरा रैली के दरमियान उद्धव ठाकरे ने सीधी सीधी चेतावनी भाजपा सरकार को दी, यहाँ तक कह दिया कि अगर हिम्मत हो तो सरकार गिरा करके दिखाए। जी बिल्कुल, देखिए लगातार महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से पारंपरिक तरीके से अपना दशहरा रैली करती है, ठीक उसी तरह से एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के तहत दशहरा रैली की। लेकिन इस दौरान सबसे अहम बात जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार को लेकर लगातार बीजेपी आक्रामक है, बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जाए, इसके लिए लगातार बीजेपी सक्रिय भी है। लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी ने, चाहे वो केंद्रीय जांच एजेंसियों की बात करें, फिर एनसीबी की बात करें, या फिर अन्य जो लगातार हथकंडे अपना रहे उसको लेकर कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार में बने उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल आक्रामक दिखे। उन्होंने सीधे तौर पर जो है निशाना साधा है बीजेपी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर, जिन्हें उन्होंने कह दिया कि अगर हिम्मत हो तो जाहिर तौर पर सरकार गिरा के देखो, क्योंकि जो हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आज बीजेपी कर रही है वो हिंदुत्व नहीं बल्कि एक ढोंग है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, वीर सावरकर को लेकर के भी बयान जो है दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ना तो सावरकर को समझ पाई है ना महात्मा गांधी के विचारों को। देखिए उनका कहना है कि मोहन भागवत ने एक बार कहा था कि ये सब हमारे परिवार का हिस्सा है, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लखीमपुर मामले में जिस तरह से किसान की हत्या हुई उस मामले में जो तमाम मंत्री के लड़के थे, क्या वह हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? या फिर जिस तरह से राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में रोका गया, क्या वह हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? तो इस तरह की बातें उन्होंने कही, सीधे तौर पर ये निशाना साधा है मोहन भागवत और बीजेपी के ऊपर। दूसरी आम बात,
जिस तरह से मुंबई में पूर्व सांसद क्रिश सोमैया जब कोल्हापुर जा रहे थे एक मंत्री के ऊपर शिकायत दर्ज करवाने, उस दौरान उनको रोक लिया गया था। उनको रोकने के बाद यही मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुत्व खतरे में है, ज्यादातर पर लोकतंत्र की आजादी को रोका जा रहा है। तो जिस जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में रोका गया था, क्या वह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी तो और क्या थी? इस तरह की तमाम बातें जो है कहीं कहीं दशहरा रैली के माध्यम से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और मोहन भागवत को घेरा है। सुप्रभा जी, ड्रग्स के सभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत के जो मौत हुई थी उस मामले से लेकर के अभी तक ड्रग्स में कई नाम उजागर हो चुके हैं, कई लोगों के चेहरे जो है सामने आए हैं। इस केसेस पर भी उद्धव ठाकरे ने कल बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो शख्सियत है, बड़ी शख्सियत है, उन्हें बदनाम करने का प्रयास जो है केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बिना नाम लिए उन्होंने सीधे तौर पर एनसीपी द्वारा की गई कार्रवाई के ऊपर भी सवाल उठाया है। एक सेलिब्रिटी को अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह का फंसाया जा रहा है, लगातार उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, और युवाओं को जो है रक्त मुहिम चलाने के लिए के नाम पे जिस तरह से काम करे वो बेहद गलत है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र की एंटी नार्कोटिक सेल ने जिस तरह से महज एक साल में 165 करोड़ का जो है रक्त बरामद किया है और कई लोगों की गिरफ्तारी की है, आंकड़े के अनुसार करीब 300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सीधे तौर पर एनसीपी को घेरते हुए कहा कि इस तरह का जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि यह प्रोपोगंडा हिंदुत्व का नहीं है बल्कि युवाओं के साथ उनके जो साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जी होगा, समीर वानखेड़े ने भी आरोप लगाया था सरकार पर कि पुलिस आपकी हमारा पीछा कर रही है, जिसको लेकर के उन्हें तलब भी किया गया था, बुलाया गया था उनको। एक अहम चीज़ है क्योंकि जिस तरीके से सरकार के सुर लग रहे हैं कि आप जबरदस्ती जो है बड़ी शख्सियत को परेशान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार समर्थन करती नजर आ रही है उन लोगों का अभी जिन लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। एनसीबी एक्टिव है और महाराष्ट्र सरकार ये बार बार कर रही है कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन किसी जाति विशेष या इस तरह की भावनाओं को रखकर मत कीजिए। लेकिन जिस तरह से समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया कि उनका पीछा किया जा रहा है, कई पुलिसकर्मी जो उनके पीछे लगे हुए हैं, ये तब से हुआ जो ड्रग्स का मामला आया था, खासकर क्रूज मामले की जो जांच कर रहे उस वक्त से आया। तो जाहिर तौर पर इस तरह की बातें लगातार आ रही है, उसको लेकर मुंबई पुलिस ने भी अपनी अस्पष्टता दी है। मुंबई पुलिस सीधे तौर पर कह रही है कि जो लोग आपका पीछा कर रहे हैं वो पीछा नहीं बल्कि रूटीन बेसिस पर वहाँ विजिट के लिए जाते हैं। तो इस तरह का आरोप जो है बेबुनियाद है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, भ्रष्टाचार को लेकर के भी कई अहम बातें रखी हैं उद्धव ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि जब साथ पे थे तब भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा और आज अलग हो गए तो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब महा विकास आघाड़ी सरकार से पहले शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, इस दौरान दोनों मिलकर आपसी सामंजस्य के साथ सरकार चला रहे थे। लेकिन जब मामला मंत्री बनने को लेकर हुआ उस दौरान जो खटपट हुई और सरकार बिखर गई, ऐसे में जब महा विकास आघाड़ी की सरकार चलाई जा रही उस दौरान जो है सुबह के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब यही सरकार हमारे साथ थी तो सामंजस्य था, आज नहीं है तो खटास है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में दोनों का समन्वय भी बन सकता है और सरकार भी बन सकता है और यही उद्धव ठाकरे जो है मुख्यमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन जल्दबाजी और हिंदुत्व को छोड़ते हुए उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन की, दूसरे पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बनाई। जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं मुंबई के लोगों के लिए बेहद असंतोष और असुविधा की स्थिति है। बिल्कुल, एक और चीज यहाँ पर सत्यप्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आयात करने का आरोप लगाया है कि अगर इन्हें चुनाव में कोई प्रत्याशी उतारना है तो सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है कि उसे दूसरे के नेताओं को आयात करना पड़ रहा है, यानी कि खरीदना पड़ रहा है। देखिए चुनाव के दौरान नेताओं या विधायकों की खरीद फरोख्त होती है और ये देखी भी गई है, खासकर महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी हलचल हुई थी जब सरकार बनाने को लेकर जब वक्त दिया गया था महा विकास आघाड़ी और देवेंद्र की सरकार को बनाने के लिए, उस दौरान भी देखा गया कि कई होटलों में कई विधायकों को रोका गया था, उनके खाने पीने से लेकर तमाम जो सुविधाएं वो कहीं के विधायक कोटा या फिर मिनिस्टर कोटा से दिया गया था, वो बेहद गलत है। लेकिन लगातार ये जरूर देखा जाता है कि जब भी सियासी हलचल होती है या मुख्यमंत्री बनने का दावा कोई ठोकता है तो इस तरह की चीजें खरीद फरोख्त होती है। खासकर बीजेपी में देखा गया कि किस तरह से कई मंत्रियों को जो अगवा किया गया, उनको रोक के रखा गया, उनके साथ जो है
इनके फॉलोअर्स लगाए गए कि गड़बड़ ना हो, तो इस तरह के बातें जो है मुंबई महाराष्ट्र में आम हो गई। बिल्कुल धन्यवाद सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी जी, मैं यकीनन ये मुद्दा अपने आप में बेहद अहम है, कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन आगामी परिणाम या आगामी जो स्थितियां हैं वो क्या कुछ कहती है ये देखने वाली बात होगी। आरोप छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विजय संकल्प दिवस और उपचुनाव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी है। सिंह ने बताया कि उपचुनाव के क्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर विजय संकल्प ध्वज फहराया जाएगा। रेगांव विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो, वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने ध्वज फहराया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार भी शामिल हुए और उन्होंने भी ध्वज फहराया। वहीं उपचुनाव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 16 से 21 अक्टूबर तक के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं, जिसमें उपचुनाव क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और युवा मोर्चा द्वारा एक मतदान 20 जवान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 अक्टूबर को जनसंघ के स्थापना दिवस पर वरिष्ठ नेताओं का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। अभी हमारा 15 तारीख तक का कैलेंडर बना था, अब 16 तारीख तक हम लोगों ने कार्यक्रम, 16 से 21 तारीख तक हम लोगों ने कार्यक्रम तय किए हैं। इसमें सभी विधानसभाओं में जो महिलाओं के स्व सहायता समूह है उनका सम्मेलन होगा 16 से 21 तारीख तक। फिर हमारे जितने भी ग्राम केंद्र और नगर केंद्र हैं, 558 नगर केंद्र ग्राम केंद्र हैं, इन 558 नगर केंद्र ग्राम केंद्रों पर 16 से 21 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। फिर 16 से लेकर 21 के बीच में जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं उनका, उनकी संगोष्ठी होगी विधानसभा। मेरे साथ मेरे संवाददाता गणेश तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश जी क्या कहेंगे, उपचुनाव को लेकर के कैलेंडर अभी तक 15 तक तैयार था, अब 21 तक की जो डेट का प्रोग्राम है वो सबके सामने ला करके तैयार खड़ा कर दिया गया है, क्या कुछ तैयारी आपको लग रही है कि भाजपा की तरफ से की गई है? सबसे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में चूंकि 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 2 सीटों पर लोकसभा तो 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी जो है पुरजोर जो है कोशिश कर रही है, पूरी तरह से तैयारियां भी कर रही है इसको लेकर। जिसको लेकर अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब जगह जगह जो है आज जो 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर विजय संकल्प दिवस भी मनाया जा रहा है, यानी कि विजय को लेकर जो है लोगों से भी संकल्प दिलाई जा रही है। साथ में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, तमाम मंत्री है या नेता है वो भी संकल्प ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चीज है कि आज जो 2023 में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, यही 5 सीटें जो है मध्य प्रदेश का जो है निर्णायक साबित होंगे कि जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वो किस मुकाम तक पहुंचते। तो ऐसे में बीजेपी द्वारा आज जगह जगह पर जो है संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, विजय संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 5 सीटों पर जहां उपचुनाव होने, और ऐसे में बीजेपी के जो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक है भूपेंद्र सिंह, उन्होंने कल एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के दौरान आज जो अभी तक 15 तारीख तक बीजेपी के तमाम ऐसे कार्यक्रम थे आज जो किए जा रहे थे और इस जीत को लेकर और इस चुनाव को लेकर तमाम तरह के ऐसे कार्यक्रम किए जाते,
अब बीजेपी ने जो कैलेंडर है अपना यानी कि 16 तारीख से 21 तारीख तक के भी रूपरेखा तैयार कर लिए और आगामी रूपरेखा तैयार करके किन किन तरहों से किस किस बूथ पर जाकर आप बीजेपी जो है अपना परचम फहराएगी और लोगों को लाभान्वित करेगी, लोगों को लुभाएगी, वो तमाम जो है कार्यक्रम निर्धारित कर लिए गए हैं, जिसके संयोजक जो है भूपेन्द्र सिंह है जो की मंत्री है और भूपेन्द्र सिंह ने अब इसको लेकर एक प्रेस वार्ता भी की है। चूंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर राजनीतिक सरगमों की बात करें तो काफी ज्यादा हलचले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो बीजेपी ने जहां 5 सीटों पर उपचुनाव होने वहां पर अब बीजेपी ने पहले से ही विजय संकल्प दिवस मनाना प्रारंभ कर चुकी है, जिससे लोगों के घर घर जाकर लोगों को जो है जागरूक कर रही है, लोगों को अब समझा रही है, लोगों को लुभाने की भी कोशिश कर रही है। तो बीजेपी की तरफ से अब ऐसी प्रक्रियाएं चालू हो चुकी है। बीजेपी लगातार जो है अब इस कयास में कि जो उपचुनाव मध्य प्रदेश के 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर किसी तरह से जीत हासिल हो सके, जिसको लेकर तमाम तरह के हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं और इसी को लेकर जो है अब विजय संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही अगर 21 तारीख की बात करें तो अब 21 तारीख को जहां 16 तारीख से 21 तारीख तक बीजेपी द्वारा तमाम ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे, वहीं 21 तारीख की बात करें तो 21 अक्टूबर को बीजेपी के द्वारा जो है तमाम लोगों को जो नेता है कार्यकर्ता है उन्हें सम्मानित भी करेंगे। तो इस तरह से बीजेपी का पूरी तरह से रूपरेखा जो है उपचुनाव को लेकर तैयार किया गया है। जी काव्या, बिल्कुल गणेश जी, एक अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत रही है, जहां भी चुनाव होता है बड़ा क्रमबद्ध तरीके से निर्णय कर लेती है कि कौन से दिन क्या कार्यक्रम करना है। अगर विपक्ष की बात करती हो तो विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो चूंकि बीजेपी में संगठन सबसे बड़ा नेतृत्व है और संगठन के नेतृत्व में ही मार्गदर्शन में ही तमाम तरह के ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का संगठन सबसे बड़ा मजबूत है। लेकिन अगर वही कांग्रेस की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस कड़ी में पूरी तरह से कमजोर दिख रहा है। अगर मध्य प्रदेश के 5 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर भी कांग्रेस में देखने को मिला है कि गुटबाजी सामने आई। जहां खंडवा की बात करें, खंडवा में लोकसभा चुनाव है, वहां पर अरुण यादव को जहां पर अरुण यादव ये कयास लगाए जाते हैं कि अरुण यादव को लोकसभा टिकट से दावेदारी की जाएगी, लेकिन वहां पर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे मध्य प्रदेश के तमाम, चाहे वो कांग्रेस की बात करें तो जो रहगांव की है, मध्य प्रदेश के सतना जिले के रहगांव की सीट है, वहां पर भी देखने को सामने आया। तो हालांकि कांग्रेस में साफ तौर पर गुटबाजी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और वहां पर जो टिकट की खींचाकाची थी वो भी सामने देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस कड़ी में कमजोर दिख रही, क्योंकि बीजेपी में संगठन, सभी चीज संगठन ही सर्वोपरि होता है और जो संगठन निर्णय लेता है वही मान्य होता है। तो बीजेपी में आपसी फूट और जो कला है वो देखने को नहीं मिलती है। एक बार अगर संगठन ने जो निर्णय ले लिया है या फिर जिस भी उम्मीदवार को संगठन के द्वारा फाइनल कर दिया गया, उसका नाम घोषित कर दिया गया है, वही नाम पर मुहर लग जाती है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आपसी खींचतान जो है काफी लंबे समय तक, लंबे अरसे तक चलती रहती है और यही वजह रहती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दिखती है। हालांकि उपचुनाव की बात करें तो अब कांग्रेस की लगातार उपचुनाव को लेकर ऐसे कई कार्यक्रम कांग्रेस भी करने की तैयारी में है, क्योंकि इसके पूर्व की बात करें तो काव्या सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जरूर रह चुकी है, भले ही वह 1.5 वर्षों तक ही मात्र यानी कि 15 महीने ही सरकार चली हो, लेकिन कांग्रेस ने एक तरफा जो है मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनी थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाते हुए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 22 विधायकों की अगुवाई के बाद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अगुवाई की थी, उसके बाद जरूर कांग्रेस की सरकार गिरी थी और भाजपा की सरकार बन गई थी। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी के लिए भी एक तरह से चुनौती है, क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी। तो ये उपचुनाव देखने वाली बात होगी कि जो 5 सीटों पर उपचुनाव होने उसमें किसका परचम लहराता है। हालांकि बीजेपी का अगर बात करें तो बीजेपी का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये जीत ही जो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने 2023 में, उस जीत पर भी डिपेंड करेंगे, क्योंकि हार और जीत के जो निर्णय आएंगे वो 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर भी कहीं ना कहीं सीधा प्रहार करेंगे और सीधा उसका जो परिणाम है वो भी साफ तौर पर दिखेगा। जी काव्या, बिल्कुल धन्यवाद गणेश जी मेरे साथ जुड़े के लिए। गणेश तिवारी मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।